यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं हरियाणा के रतिया के गांव अलीका के सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी से छात्र छात्राएं भड़के हैं। शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सरकारी स्कूल में 600 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जहां स्कूल में 22 अध्यापकों के पद हैं, जिसमें से केवल 3 ही अध्यापक नियुक्त हैं। 19 अध्यापकों के पद खाली हैं। छात्र छात्राओं ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सरकार के समक्ष गुहार भी लगाई, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया, जिससे गुस्साए छात्र छात्राओं ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक वो स्कूल का ताला नहीं खोलेंगे। तो आपको बता दें कि शिक्षकों की कमी के चलते छात्र छात्राएं भड़के हैं और साथ ही स्कूल के मेन गेट पर ताला भी यहां पर जड़ा गया और लंबे समय से स्कूल में शिक्षकों की कमी बनी हुई है, जिसको लेकर कई बार मांग भी उठाई गई कि शिक्षकों की नियुक्ति यहां की जाए, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। देखो जी, साढ़े अलीका पिंड दे विच साढ़े स्कूल दे 12वीं दा स्कूल है, इस दे विच टीचर पूरे नहीं है। 3-4 बारी पहला भी धरना ला चुके हैं जी, क्योंकि कोई साड़ी मंग पूरी नहीं करेगी। ये अज फिर असी इस कारण धरना ला रखे जी। साड़ी कोई भी अधिकारी आऊगा सानू मिलूगा, फिर असी कोई धरना हटावांगे। पहले कोई नहीं हटाना, किसी भी तरह का कोई पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसे बच्चे जैसे फ्री आते हैं उसी तरह से चले जाते हैं। जहाँ पर सरकार पर हमने पहले भी 8-10 को धरना दिया था, वो कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट से अधिकारी आए थे, उन्हें हमें आश्वासन दिया था कि 16 अगस्त को आपके टीचर आ जाएंगे। 16 अगस्त से लेकर आज तक कोई जहाँ पर टीचर नहीं आया, और एक दो टीचरों का ट्रांसफर भी हो चुका है।